the grandson, Mawlana Sufyan Sarkar of Qadiriyya, Salih Abdul Ali, and also obviously the great grandson of Mawlana Qasim Nahdi, rahimahullah. So alhamdulillah, how lucky we are and blessed that we have such a sheikh and such a scholar among us. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the tawfiq to the istifada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تعبد الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، وقت کی قلت کا بھی احساس ہے اور تسلسل کے ساتھ سفر بھی ہے، لیکن میرے بڑوں کا، میرے بزرگوں کا حکم کہ مجھے کچھ کہنا ہے. ابھی جو حدیث مبارک آپ کے سامنے میں نے کہ وہ ایک طویل حدیث ہے، جو حدیث جبریل کے نام سے بھی معروف ہے، صرف اس کے اسی حصے سے کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہیں. لیکن اس سے پہلے بطور تمہید کے ایک چیز، کہ خطاب کے بارے میں یا تقریر کے بارے میں یا واعظ کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ بات لمبی چوڑی ہوگی تو ہی خطاب ہے، تو ہی تقریر ہے، جبکہ اصل چیز مقصد ہے کہ خطاب کا یا تقریر کا مقصد کیا ہے اور کیوں ہم ایک دوسرے کو تذکیر کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے اور بات ذہن نشین ہو سکے. جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک اعرابی، ایک بدو حاضر، اس کے ظاہری حلیے سے لگ رہا تھا کہ وہ ایک طویل سفر کر کے آ رہے ہیں، اور آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام موجود تھے، ان کی مجلس. یہ بدو آئے اور آنے کے بعد اس نے بیچ میں مخاطب کر کے کہ اعذنی یا رسول اللہ، کہ رسول اللہ واعظ فرمائیے، نصیحت کیجیے. لیکن اس سے پہلے کہ آپ کوئی جواب دیتے، انہوں نے کہا کہ بات مختصر کیجیے گا، اس لیے کہ میں بہت طویل سفر کر کے آ رہا ہوں. اگر آپ نے بات لمبی چوڑی کہی تو ظاہر ہے کہ وہ مجھے یاد نہیں رہے گی، اور یاد نہ رہی تو میں عمل کیسے کر سکوں گا، اور عمل نہیں کیا تو میری سفر کا فائدہ کیا ہے. اس لیے بات مختصر کریں. اب یہ بات صرف دو آدمی کہہ سکتے ہیں. ایک وہ کہہ سکتا ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام رسالت اور مقام عظمت سے واقف،
क्योंकि एक तरफ तो हुक्म है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक सौति नबी, कि अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ को बुलंद मत करो, हो सकता है कि तुम्हारे आमाल ही जब्त हो जाए। तो ये बात वो कह सकता है कि जो मकाम अजमत से और मकाम रिसालत से वाकिफ ना हो, यह वो शख्स कह सकता है कि जो मकाम नाज पर फायज हो, जैसा कि हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के जब रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्ने उबई का वक्त आया तो उनके बेटे मुसलमान थे अब्दुल्ला, ईराम था उनका, और बड़े ऊंचे दर्जे के सहाबी भी थे। फिक्र हुई कि अब वो मरहला आ रहा है कि जिसके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम बताते थे, तो अपने बेटे को सिफारिश के लिए नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में भेजा और कहा कि दो ख्वाहिशात हैं, एक तो ये कि मेरी नमाज जनाजा आप पढ़ाएं। जाहिर में तो अपने आप को मुसलमान ही जाहिर करता था और उस तरह मामले में, लेकिन दूसरी चीज ये कि आप अपनी रिदाए मुबारक अपनी चादर जो है वो मुझे इनायत फरमा दें ताकि मैं उसमें लिपट कर जाऊं, कि जब बारगाह रब में पेश हूँ तो कम से कम मैं मगफरत के लिए आपकी रिदाए मुबारक को पेश कर सकूं। आप रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजेंगे, आपके लिए आप फौरन तैयार हुए खड़े होंगे। फारूक आजम आपने चाल पकड़ ली, ये जुरत कौन कर सकता है? ये जुरत सिर्फ वो कर सकता है कि जो मकाम नाज पे। तो चुनाचे उसी वक्त कुरान करीम की आयत नाज हुई, तकरीबन 11 आयात वो हैं कि जहां फारूक आजम की ताइद में जो फारूक आजम ने अमल किया उसके मुताबिक आयत नाज़िल हुई। आयत नाज़िल हुई कि इन तस्तग़फिर लहुम अव ला तस्तग़फिर लहुम, इन तस्तग़फिर लहुम सबईन मरतन फलयग़फिर अल्लाह, आप एक मरतबा उसकी मग़फ़रत की दोगे या 70 मरतबा की, हरगिज़ हरगिज़ मग़फ़रत नहीं होगी। कुरान ने इतना सख्त लफ्ज़ लहजा कहीं इस्तेमाल नहीं किया जितना इस मकाम पर। यह ताकीद कर दी गई कि वो रिदाए मुबारक क्या वो कुछ भी लेके चले जाए मगफरत नहीं होगी, क्योंकि उससे पहले आया इन्नल मुनाफिकीन फिर दर के असफल में ना कि वह तो बिल्कुल जहन्नम के आखिरी दर्जे में भेजे जाए, और वो तो रईस मुनाफिकीन था। चुनाचे दोनों बातें रद्द हो गई, एक ये कि आप नमाज पढ़ाएं वो भी, और एक ये कि आप अपनी रिदाए मुबारक अता कर दें वो भी। ये किसकी वजह से हुआ? फारूक आजम रज़ी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जुर्रत वो ही कर सकते हैं कि जो ये मकाम अजमत से और मकाम रिसालत से वाकिफ ना हो, जैसे कि ये बदु और यह मकाम नास पर फायज हो। तो सहाबा इकराम इंतज़ार किया करते थे कि काश कोई ऐसा आदमी आ जाए और वो सवाल करे, क्योंकि सहाबा की तो जरूरत नहीं होती थी, डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे बेअदबी हो जाए और हमारी सारी मेहनत ही खत्म हो जाए। लेकिन कोई आ जाए तो सवाल कर ले, उससे हमें भी फायदा होगा। तो इस बदू का या तो आपने मैं कि बैठ जाओ, अब वो वाज एक मिनट में तो क्या चंद सेकंड में खत्म हो गया, तीन लफ्जों में खत्म हो गई। आवाज मैं कह सल्लू सलातिल मुवद्दा, सल्लू सलातिल मुवद्दा, जिसका हासिल ये कि नमाज पढ़ो इससे पहले कि आखिरी वक्त, और दूसरी चीज ये कि जब नमाज पढ़ो, यानी इसको तशरीह के तौर पर कि नमाज पढ़ो तो एक मिनट के लिए जहन में ये तसव्वुर ले आओ, ये ख्याल ले आओ कि हो सकता है कि मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज हो। हमने ईशा पढ़ी, अब हमें सुबह की नमाज मिलेगी कि नहीं मिलेगी कुछ नहीं कह सकते,
वो अल्लाह को पता है। अल्लाह जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, किस वक्त जाना है, कहाँ जाना है, वो अल्लाह को पता है। लेकिन बारह ये यकीन है कि तो जाहिर है कि अगर ये ख्याल, जाहिर शुरू में पहले मेहनत करनी पड़ेगी, एक मेहनत करके जहन को इस तरह मुतवज्जह करना पड़ेगा। लेकिन रफ्ता रफ्ता ये आदत जो है ये खुद बन जाएगी, जान ये पानेंगे फौरन ये ख्याल आएगा, हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज हो। अब आप तसव्वुर करें कि अगर इंसान के जहन में ये ख्याल जम जाए कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है, तो उसके उस नमाज में खुशू और खुशू का क्या आदत। वो तो ये समझ के पढ़ रहा है कि मेरी आखिरी नमाज है। और नमाज का हासिल और नमाज का जो मतलूब है अल्लाह के लिए, वो खुशू और खुशू के दिल तोड़ कर पेश कर दे। क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दो मौजज़ात अता किए, और दोनों मौजज़ात वो हैं कि जब क़यामत तक आने वाला हर उम्मती अपनी आंखों से देखेगा। मौजज़ात दूसरे अंबिया किराम को भी अता किए गए, लेकिन वो एक खास कौम, खास इलाके, खास रिश्ते, खास मकसद के लिए उनको भेजा गया। तो जो मौजज़ात अता किए गए वो भी उनके लिए खास थे। नबी रुखसत हुए, मौजज़ा भी रुखसत हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम क़यामत तक के लिए नबी बना कर रहेंगे, तो उसका आज भी तकाज़ा ये था कि आपके मौजज़े को हर उम्मती वो देखें, वो जो क़यामत तक आने वाला आखिरी उम्मती तक उसका दीन, उसका महसूस हो सके, उसको देख सके। तो दो मौजज़ात, एक कलामुल्लाह के जिसका मौजज़ा ये है कि एक बिल्कुल अजनबी ज़बान में लिखी हुई किताब 700-750 सफ़ात की, और एक 6 साल के बच्चे के सीने में के अंदर महफूज हो जाती है। ये मौजज़ा नहीं तो और क्या है। इसको हम 1450 बरस से देखते चले आ रहे हैं, और क़यामत तक आने वाला आखिरी आदमी भी इस मौजज़े को देखेगा। बनू अब्बास के आखिरी दौर के खिलाफत बनू अब्बास का आखिरी दौर है, जब तातारियों ने हमला किया, वो एक वही कौम थी, उसके सामने कोई मकसद नहीं था, कोई एम नहीं था, कोई हदफ नहीं था, बस इंतकाम था कि इंतकाम लेना है और इस्लाम को सफ़े हस्ती से मिटा देना है। चुनाचे बाकी उन्हें कोई एजेंडा उनके पास नहीं था। लाखों लोग शहीद कर दिए गए, लाखों लोग, उसमें हुफाज भी थे, उसमें उलामा भी थे, उसमें मुशाहिद भी थे। न सिर्फ ये बल्कि बनू अब्बास के दौर में जितना अजीम तरीन इल्मी काम हुआ था बगदाद के बड़े बड़े कुतुबखाने, उसमें आग लगा दी और उसकी राख को समंदर में बहा दिया गया। एक हफ्ते तक समंदर का पानी जो काला हो, इतना गाढ़ा हो गया था कि लोग उससे रोशनी के तौर पर इस्तेमाल करते थे। और कुरान करीम के जितने भी नुस्खे उनको दस्तियाब हो सके वो सारे के सारे उन्होंने नजर आतिश कर दिए, और अपनी दानिश में ये समझ लिया कि आज हमने इस्लाम को सफेद से मिटा दिया। कुरान करीम आज अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया। जनाजे यही दावा भी था उनका, ये ऐलान किया कि आज सफेद से खत्म हो गई। एक मुसलमान आलिम खड़े हुए और एक 6 साल के बच्चे को बुलाया, कहा कि बेटा पढ़ो, उसने मुझे दूसरे को बुलाया, उसने पढ़ो, तीसरे को बुलाया, कहाँ तक खत्म करो, क्या इनके सीनों से खुरेज दो कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। दूसरी कौमों को जो किताबें दी गई वो उनकी हिफाजत में दी गई कि इसकी हिफाजत तुम खुद करोगे, लेकिन कलामुल्लाह के बारे में इसकी हिफाजत भी हम करेंगे, इसके अल्फाज की भी हिफाजत हम करेंगे, इसके मानी की भी हिफाजत हम करेंगे, इसके मुरादात की भी हिफाजत हम करेंगे, तो कैसे खत्म हो सकती। तो एक मौजज़ा यह तक किया, और दूसरा कहते जवाब और कलीम, यानी वो अहादीस के जिनके अल्फाज बहुत मुख्तसर,
लेकिन जब उसकी तशरीह और उसकी वजाहत और उसकी तौजीह आज लिखी गई तो कुतुबखाने में कुतुबखाने लिख दिए, सैकड़ों किताबें उस मौजू पर एक मौजू पर लिख दी गई। तो आपका यह फरमान है कि असल सरात मुवद्दा दरअसल ये उसी जवाब में कलिम का एक तो असल चीज ये है कि खिताब और तकरीर का मकसद कि आदमी कुछ हासिल करे और ये इरादा करे कि मैं कुछ लेके जा रहा हूं, कुछ अमल करो। अमल के बारे में ये ना सोचिए कि ये अमल बड़ा है या छोटा है, जो छोटा और बड़ा जो है वो हमारे अपने नुक्ते नजर से होता है, वरना अल्लाह के नजदीक ना कोई अमल बड़ा है मकबूल हो जाए तो इतना सा अमल भी बहुत बड़ा, और ना मकबूल हो तो आप जिंदगी भर की इबादत करते रहिए वो भी बड़ा। आप में से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से हजरात को मदीना मुनव्वरा हाजरी के शर्फ हासिल हो, वहाँ पर एक नहर ज़ुबैदा के आसार आज भी मौजूद हैं। ये खलीफा हारून की एहलिया जब ये हज करने आए तो उन्होंने देखा कि मदीना मुनव्वरा के अंदर जहाज को पानी की बहुत परेशानी है, बड़ी दूर दूर से पानी लेके आ रहे हैं कुओं से। तो उन्हें यह ख्याल पैदा हुआ कि अल्लाह ने हमें इख्तदार भी दिया, दौलत भी दी, पैसा भी दिया, असर रसूख भी दिया, हमें वसअत और हिम्मत भी दी, और हमारे होते हुए हुज्जाज इस तरह से परेशान। उन्होंने उसी वक्त इरादा किया कि एक नहर बन गई, और नहर भी जाहिर है कि वो हजार में तो पानी खा नहीं गई नजद में, नहर भी कहाँ से बनवाई, दजला और फुरात से, तकरीबन 4,500 किलोमीटर का फासला, 4,500 किलोमीटर की नहर बनाना आसान काम नहीं है, और सिर्फ इसलिए बनवाई कि हुज्जाज को आसानी पैदा हो। जाहिर है अब देखा जाए तो यह अमल इतना बड़ा है कि सुबैदा की मगफरत में कोई शक होना ही चाहिए, इंतकाल हो जाता है। उसी दौर के उनके एक साहिब नस्बत बजुर्ग ने ख्वाब में देखा और पूछा कि सुबैदा क्या हाल है, कहा कि मेरे अल्लाह ने मेरी मगफरत कर दी, कि तेरी तो मगफरत होनी ही थी, तूने तो काम ही इतना बड़ा किया था। कहा कि नहीं नहर बनवा दे, बेकार ही है, मेरे अल्लाह ने तो अजीब मामला फरमाया मेरे साथ, मेरे तो या जहन में भी नहीं था, और ऐसा अमल के मतलब किसी के भी जहन में नहीं रह सकता। जब अल्लाह ने याद दिलाया तो याद आया, और हुआ यह था कि मैं एक मरतबा खाना खाने बैठी, अभी खाना खा के लुकमा हाथ में लिया और मैं मुंह तक ले जा रही थी, विरासत में था दस्तरखान और मुंह के बीच में था, क्या अजान की आवाज सुनाई दी तो उन्होंने लुकमा नीचे रखा और दुपट्टा लिया वो सब डाल। बस ये अमल अल्लाह के यहाँ इतना मकबूल हुआ कि नहर बनवाना एक तरफ और दुपट्टा डालना एक तरफ। तो ये ना सोचे कि कोई बहुत ही बड़ा अमल, अमल की जाइए और नियत ये रखिए कि अल्लाह की रजा के लिए कर दे, मगफरत हो रही हो तो राह का पत्थर हटाने पर भी मगफरत हो जाती है, और अल्लाह ताला गफूर रहीम मगफरत करने में तो सिर्फ नियत पे भी हो जाती है। याह्या सबक की एक मुहद्दिस भी है, मुफस्सिर भी है, मुज्तहिद भी है, ये 3री सदी हिजरी के बड़े अजीम शख्सियत गुजरे, उन वो इबादत और रियाजत के अंदर उनका अपना एक मकाम था, एक दर्जा था। लोग मिसाल दिया करते थे कि इबादत करें तो याह्या सबक की तरह करें। इंतकाल हो गया, एक बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा और पूछा कि याह्या क्या मामला पेश आया, कैसे आया, किस तरह से, कहा कि कैसे आया किस तरह से आया ये तो मुझे कुछ पता नहीं, बस मेरे अल्लाह ने मगफरत कर दी, लेकिन मैं हैरत और ताज्जुब में हूँ, और हैरत और ताज्जुब मुझे इस बात पर है कि मेरे पड़ोस में एक लोहार रहा करता था, मेरे पहुंचने के अगले दिन वो भी आ गया और मेरे से 4 दर्जा ऊपर है। अब जब आँख खुली तो इनको बड़े नहीं कि ऐसा कौन आदमी था कि जो याह्या पर शफ़क़त ले गया, जिसका जमाना मुतरफ था उनकी इबादत का रियाजत का। अब तहकीक हाल के लिए निकले कि
तो इन्हें ख्याल आया कि एक तो यह है कि महल में मिलने वालों से जुलने वालों से तहलीके बहुत अपने ज़ाहिर अंदरूनी हालात किसी के नहीं मालूम, किसी आदमी के मुकम्मल शख्सियत या मुकम्मल हालात अगर कोई जान सकता है वो सिर्फ उसकी अहलिया जान सकती है, अल्लाह ने ये रिश्ता ऐसे बनाया। तो उन्होंने कहा कि बजाय इसी के मैं उधर उधर मालूम, सीधा उसी के पास गया और उससे जाके ये मालूम किया कि ये बताओ कि तुम्हारा शौहर ऐसा क्या अमल करता था। उसने जहन पर बहुत जोर दिया, उसने कहा कि मेरी नज़र तो आज तक कोई ऐसा अमल नहीं है कि नहीं, फिर भी सोचो गौर करो। उसने कहा कि बस मेरे जहन में यही बात आती है कि हम कसीरुल अयाल हैं, हमारे बच्चे काफ़ी हैं और जिसमें ख़ास तौर पर चार पांच बच्चियाँ भी हैं, ये सुबह काम पर निकल जाया करते थे और आम तौर पर रात को ये शाम में आएगा, तो जाहिर है कि सारा दिन रोक उठना तो थकान वैसी हो जाती है। और आके अक्सर ये कहा करते थे कि दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे अपने बच्चों की जिम्मेदारी से फारिग करे, ख़ास तौर पर मेरी बच्चियाँ जो हैं वो अपने घर की हो जाए। तो जिस दिन मैं इस जिम्मेदारी से फारिग होऊंगा मैंने ऐद कर रखा कि मैं भी यह है की तरह से इबादत किया करूँ। ये सिर्फ नीयत थी लेकिन अल्लाह ने उस नीयत को ऐसा कबूल किया कि आया से चार दस जाऊ। तो असल चीज एक कि अमल करना और अमल की तौफीक तलब करना। जाहिर है कि तौफीक अल्लाह की इतनी सस्ती नहीं है कि हम बगैर मांगे मिल जाए। हम अगर यहाँ आए तो अल्लाह की तौफीक से आए, हम अपने इरादे से नहीं आए। अल्लाह ने तौफीक दी तो हम आए, अल्लाह ने तौफीक दी तो हमने ईशा की नमाज़ पढ़ ली और अल्लाह की तौफीक देगा तो हम फजर की नमाज़ पढ़ेंगे। तो असल चीज़ ये है कि इंसान को तौफीक तलब करते रहे, तौफीक तलब करेंगे तो अल्लाह की तरफ से तौफीक भी आएगी और इंसान के अमल के अंदर कबूलियत की शान भी पैदा होगी। तो असल यह है कि हमें अपने अमाल पर भी गौर करने की ज़रूरत है, अपने अफ़ाल पर भी गौर करने की ज़रूरत है, अपने अक़वाल पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि क्या हमारे ज़ाहिर में और हमारे बातिन में कितना फ़र्क है और वो है तो हम उसको किस तरह से कम कर सकते हैं। जितना भी हम कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह, सुम्मा इंशाअल्लाह, ये तो यकीन है अल्लाह की ज़ात से, क्योंकि ला तक़नु बिर रहमतिल्लाह, अल्लाह ने के मोमिन को अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होने चाहिए। तो अमल करते रहिए इंशाअल्लाह, सुम्मा इंशाअल्लाह बख्शिश तो हो ही आएगी। इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے ایمانوں میں استحکام عطا فرما، مضبوطی عطا فرما، اے اللہ ہدایت عطا فرما، اے اللہ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اتباع رسول اللہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما، اے اللہ جو ہم میں جا چکے ہیں ان کی مغفرت کاملہ فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے مدارس کی، مساجد کی، معاہد کی، ہمارے علماء کی، طلبہ کی اور عامۃ المسلمین کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے ایمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔